हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोना। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और मैं जा रही हूँ फरीदाबाद अपने मायके पापा के यहाँ पे। एक्चुअली मुझे मेडिसिन लेना है और वहाँ पे हम शुरू से रहते हैं तो मुझे पता है कि होम्योपैथी का मेडिसिन कहाँ मिलता है। यहाँ के बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और एक बस लास्ट बार देखती हूँ कि होम्योपैथिक में क्या बोलते हैं, मेडिसिन है या नहीं है, या वो मेडिसिन चलाते हैं या फिर मुझे ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि बस एक लास्ट बार मैं वहाँ से भी कर लूँ, क्योंकि ऑपरेशन करवाना सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि मेरा एक नहीं है, एक जगह मैं ऑपरेशन करवाऊँगी, दो तीन जगह है, अगर वो जड़ से ख़त्म हो सकता है। क्योंकि जो ये इंग्लिश दवाई है, एलोपैथिक है, इसमें तो इन्होंने बोला है कि मेडिसिन ही नहीं है। तो मे बी हो वहाँ होम्योपैथिक में। तो चलिए, मैं तो सुबह अपने हस्बैंड के साथ ही जाने वाली थी कि मेट्रो स्टेशन से मुझे छोड़ देंगे मेट्रो स्टेशन तक, लेकिन मैं लेट हो गई। फिर उनको लंच बना के देना था मुझे, तो मैंने कहा आप चलिए, मैं चली जाऊँगी। तो मैंने पहना है ये सूट, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये है दुपट्टा। तो चलिए, मैं आप लोगों को लेके चलूँगी वहाँ पे, घर की कंडीशन क्या कर रखी है पापा ने मैं दिखाऊँगी, और उन्होंने क्या बना के रखा होगा वो भी दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं और बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं मेट्रो में बैठ गई हूँ और मुझे दो मेट्रो चेंज करके जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है और कम से कम एक घंटा मेट्रो में मेरा जाता है। तो बहुत ज़्यादा दो लोग रहते हैं तो बात करते हुए चले जाते हैं, पता नहीं चलता। बट इतनी बोरियत होती है, और मैं हेडफोन भी लाना भूल गई थी ताकि कुछ मैं फ़ोन में कुछ देख लूँ या सुन लूँ। तो बस ऐसे ही मैं टाइम पास कर रही थी और मुझे लगा थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। और भीड़ इतनी है नहीं, यहाँ पे मुझे सीट मिल गई है। एक मेट्रो चेंज किया था तो दूसरी जगह बहुत देर खड़े होने के बाद मुझे सीट मिली है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेकअप भी ठीक कर ले रही हूँ अपना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ और कहीं लाइट ही नहीं आ रही है सही से। तो मैं आ गई हूँ घर पे और बस पापा ने ऐसे जैसे भी कुछ नहा लीजिए, ये नहीं कि नहा के रहे, नहा लेते। तो चलते हैं छत पे, मेरा सबसे फेवरेट जगह है। अमरुद सर अब खत्म होने वाला है। तो मैं यहाँ पे किचन में खड़ी हूँ, पापा ने खाना बना रखा है। उस पतीले में जो दिख रहा है वो उन्होंने चावल बनाया, मैं तो कुकर में चावल बनाती हूँ वही मैं देख रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा है चावल, लेकिन ऊपर थोड़ा सा कच्चा टाइट था चावल, बट अंदर सही था। तो मैंने कुछ नहीं देखा। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मेरी चलती नहीं है बिल्कुल भी। एक बार मैंने मॉर्निंग में पी लिया था, फिर भी पापा ने मैंने बोला कि मैं चाय पी के चलूँगी, और पापा चाय पीते नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पापा को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो पापा चाय बहुत कम पीते हैं। और चावल भी शायद मेरी वजह से ही बनाया, वरना चावल भी जल्दी बनाते नहीं, वो रोटी बनाते हैं। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं चाय बना रही हूँ, आप भी पी लीजिएगा। तो बोले कि बनाओ थोड़ा सा, मैं भी पी लूँगा। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ दीदी से, और दीदी का भी मन हो रहा था कि मतलब मोना यहाँ पे है तो उसका भी मन होता है यार, हम दोनों को मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं तो हम दोनों को मिलने का मन होता है। और यहाँ पे जाती हूँ, मुझे दीदी की भी बहुत याद आती है, मम्मी की बहुत याद आती है।
तो पापा यहाँ पे तैयार हो गए मेरे साथ जाने के लिए, और मैं यहाँ पे पापा से वही बता रही हूँ कि पापा चावल मुझे कच्चा लग रहा है, तो वो बोल रहे नहीं चावल कच्चा नहीं है, मैंने तो देख के बनाया था। बोल फिर मुझे भी लगा कि हो सकता है ऊपर ऊपर का है, तो हम दोनों में यही डिस्कशन हो रही है, और दीदी से भी मैं यही बता रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, पापा इसमें माड़ पसान के बनाए हैं चावल, तो थोड़ी सी चाय मैं पापा को दूंगी, थोड़ी सी मैं लूंगी। तो पापा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कुछ मिक्सचर वगैरह खाएगी चाय, कुछ चाय के साथ खाएगी। तो मैंने कप निकाला है और काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुआ है, तो कप साफ़ नहीं है, गंदा है। मतलब गंदा क्या हो, ऊपर से मिट्टी हल्की जम जाती है, वो बाहर ही रखा हुआ है खुले में। जो हमारा किचन है वो ओपन है, उसमें गेट नहीं है, तो मैं बोल रही नहीं मैं ग्लास में ही पी लेती हूँ। तो पापा बोले तू ग्लास में पिएगी, तू भी ग्लास में पिएगी, मैं भी मुझे भी ग्लास में ही दे देना। तो मैं उनको भी ग्लास में दूंगी, खुद भी ग्लास में पीऊँगी। और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मिक्सचर बिस्किट कुछ भी खा ले, क्योंकि मैं सुबह कुछ भी नहीं खा के आई हूँ, और वहाँ पे हम जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बीच में काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, वहाँ पे ऑटो वगैरह कुछ नहीं चलता है, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। और पैदल चलने में मुझे बहुत मतलब बिल्कुल मन नहीं होता मेरा पैदल चलने का, पहले मैं बहुत पैदल चलती थी। और यहाँ पे पापा पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे भी पता नहीं है क्या ढूंढ रहे हैं, बट कुछ तो ढूंढ रहे हैं वो। हाँ, और मुझे बोल रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कि मिक्सचर खा ले, तो वो मिक्सचर निकालने लगे, तो वो सिंपल वाले मूंग की दाल थी, तो मुझे नहीं अच्छे लगते, वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं मिक्सचर में, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। पापा निकाल रहे हैं, तो वही मैं देखिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या कौन सा मिक्सचर है। तो मैंने थोड़ा सा हाथ में ले लिया कि चल पापा निकाल रहे हैं तो खा लेती हूँ थोड़ा सा, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। मुझे मिक्सचर में जो थोड़ा सा तीखा हो वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे और घर भी एकदम अजीब सा लगता है, सच बता रही हूँ ना, घर बिल्कुल घर जैसा ही नहीं लगता है, कोई रौनक ही नहीं लगती है घर में। मतलब ये ही घर कितना अच्छा हुआ करता था, मतलब कितना एंजॉय किया करते थे हम लोग, कितने अच्छे से रहा करते थे, लेकिन क्या बताऊँ। और यहाँ पे पापा देख रहे हैं, पापा को लग रहा है ना मैं वीडियो बना रही हूँ, तो पापा को लग रहा है कि दीदी से वीडियो कॉलिंग कर रही है, तो वो वही देखने आ गए हैं और मुझे कह रहे हैं रस खाएगी। मैंने कहा नहीं पापा मैं रस नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए। तो पापा यहाँ पे रस खा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल में हुआ क्या है कि जो डॉक्टर हैं हेमोपैथी की वो नहीं आई, तो मुझे बस ऐसे ही आना पड़ा, दिमाग इतना ख़राब हुआ। सरकारी हॉस्पिटल का यही होता है कि कुछ पता नहीं होता कब आएंगी कब नहीं आएंगी। तो बस अभी कितने 12 बज रहे होंगे, मैं जस्ट अभी आई हूँ, और मैं खाना खा के फिर से निकलूँगी क्योंकि मुझे आरुष को ट्यूशन के लिए भेजना है। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, नहीं मैं बाद में पीती हूँ, बाद में पीऊँगी मैं, खाने टाइम नहीं पिए नहीं, और लथी दी हो क्या, आप खाइए ना, मैं तो खा ही रही हूँ, मैं खा रही हूँ। कांटा डलिए मछली और चावल पापा बना के रखे हैं। पानी। कौन सा पानी? वही वाला पानी है जो फ्रिज में था, वही वाला है, फ्रीजर में रख दी थी वाला पानी, जो बोतल आप बाहर रख रखे थे ना, हाँ। वो फ्रीजर में रखा हुआ है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। हाँ। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ मैं।